मैं सौरभ पांडे शौर्य, आप देख रहे हैं द चौपाल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर गौरव आर्या मौजूद हैं, जो अपनी राष्ट्रवादी मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। आपने इनको तमाम न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा डिबेट करते हुए और अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते हुए। तो गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। गौरव जी, हम देख रहे हैं कि देश का माहौल बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंचा हुआ है। सीए को लेकर के अफवाहों का दौर चल रहा है, इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके गजवाए हिंद की सोच पे प्रहार हुआ है, इस वजह से ये सारी तिलमिलाहट है। और एनआरसी जो कि आई ही नहीं, उसको लेकर के तमाम तरीके की फिक्शनल स्टोरियाँ गढ़ी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये क्या चल रहा है सब देश के अंदर? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो सीए है वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ रखा है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन लोगों से, जो भी सीए के खिलाफ है वो एक बार वो डॉक्यूमेंट पढ़ ले। अगर उसके बाद भी, पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर आपको ये लगे कि आपके ख़िलाफ़ है या मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है, तो आप ज़रूर इसकी खिलाफत करिए, क्योंकि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो चल रहा है ना मामला, ये फॉरवर्ड्स का, ये सब ना करें। मैंने उसको पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन मुस्लिम्स या कोई भी इंडियन सिटीज़न के बारे में है ही नहीं है। ये तो बाहर के तीन देशों के बारे में है कि हम उनको देंगे सिटीजनशिप, उनको एक आपने डिस्काउंट दे रखा है। उसमें ये नहीं है कि आप जो तीन देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके मुस्लिम्स को नहीं देंगे। बस बोला है कि जो वहाँ के हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, 5 साल का छोटे से डिस्काउंट की बात है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इसमें। एक चीज़ हम देखते हैं कि आपने अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, जो लेफ्ट विंग मीडिया है वो लगातार इस बात को कहती है कि ये जो नए नए लोग उभर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, ये अफवाहों को फैलाते हैं। मजे की बात है कि एक लेफ्ट बड़ी वेबसाइट है, जिसके संपादक एक पोस्ट ट्वीट करते हैं, उसमें लिखते हैं, कंडोम का ऐड लगाते हैं और कहते हैं कि आप यूज़ किया करिए ताकि आपके जैसे विचारधारा के लोग और पैदा ना हो। और बाद में वो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगने के दौरान वो ये बोलते हैं कि मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था, सो दैट मैंने पोस्ट किया, मजाक में किया था, लेकिन जब बैक फायर किया तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ बिना शर्त। खुद वो व्हाट्सएप की चीज़ों को फॉरवर्ड करके एक एजेंडा तय करते हैं, लेकिन दूसरों को भी सेम चीज़ के लिए दूसरों को एम्बेरस फील करवाते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर ये जो राइट विंग के लोग हैं कहाँ पिछड़ रहे हैं, अपनी बात अच्छे तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या कोई और वजह है जो इनको इनकी बातों में इन्हें उलझा दिया जा रहा है? देखिए, मैं इसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एक बात ये बोलूंगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना, देखिए वो एक वर्ड है अरबी में, मुनाफिक कहते हैं, हिपोक्रेट, दोगले लोग हैं, ये हिपोक्रेट लोग हैं, ये खुद करें तो ठीक है, कोई और करे तो उनको परेशानी हो जाती है, राइट? और ये सिर्फ यही बात है, ये बेसिक एक, अब देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलूंगा, पर कुछ कुछ लोग हैं, अब भाई हैं हमारे, हम भाई मान लेते हैं उनको, उनके माँ बाप ने उनकी परवरिश गलत करी है, बच्चे को संस्कार गलत दिए हैं, तो फिर बच्चा बड़ा बन के ऐसे ही बनेगा। मैंने सुना कि आप कोई किताब लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके की किताब है, कब आ रही है, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं बहुत बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी बुक कब आ रही है। मैं एक फिक्शन है, मैं लिख रहा हूँ, तो पब्लिशिंग हाउस के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब मैं लिख रहा हूँ किताब, होपफुली 1-1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा वो किताब, तो फिर उसके बारे में बताना चाहेंगे? अभी नहीं दोस्त, आप अभी नहीं रिवील, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कौन सी फिल्म, क्या हम उम्मीद करें कि मतलब कि आप जैसे जितनी मुखरता से राष्ट्रवाद के मुद्दों पे बोलते हैं, इस टॉपिक पे भी कोई किताब आप लिखेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि राइट विंग के साहित्य में कुछ कमी है, लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन, मेरी जो किताब है उसका राइट विंग से या लेफ्ट विंग से कोई लेना देना नहीं है, ये आर्मी पे बेस्ड है, आर्मी के ऑपरेशन पे बेस्ड है। तो आने वाले टाइम में कभी कोई ऐसी योजना है कि इस जिन मुद्दों पे आप बोलते हैं, इन मुद्दों पे भी कुछ लिखने की योजना है? देखिए, मैं तो देश के लिए बोलता हूँ, मैं फ़ौज के लिए बोलता हूँ, और मैं ज़रूर लिखता आया भी हूँ और आगे भी लिखूंगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि मौका मिलेगा तब लिखूंगा, मौका तो मैं खुद ही ढूंढ के लिख दूंगा, तो कुछ ना कुछ बात आई। तो एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, आपने देखा होगा कुछ सालों पहले एक तेज बहादुरी करके आए थे, जो कि BSF के जवान थे, उन्होंने आरोप लगाया कि आर्मी वालों को ढंग से खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है, इसलिए मैं आर्मी छोड़ा, मेरा शोषण होता है। और अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है आर्मी वालों को देने के लिए सैलरी, और सियाचिन में जो लोग वहाँ पर तैनात हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको प्रोवाइड कराने में सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। तो आपको लगता है कि आर्मी में कुछ ऐसी सरकार के साथ मिसकम्युनिकेशन है, या सरकार सुविधाएं नहीं दे पाती अपने सैनिकों को? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दो बातें हैं, एक तो आप जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है। पहली बात, तेज बहादुर यादव ने झूठ बोला था, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, BSF से मेरा बड़ा खास ताल्लुक भी है और वहाँ के लोगों से भी मैंने बात करी है। और तेज बहादुर यादव ने क्या करा कि देखिए, वो जो जगह पोस्टेड था, पहले आप एक बात समझिए, BSF और आर्मी अलग अलग हैं, पहले ये क्लियर कर लीजिए। BSF एक CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आर्मी आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वो जो उसकी BSF की यूनिट थी, जो बटालियन थी, वो अंडर कमांड इंडियन आर्मी थी। सारा का सारा राशन जो उसके पास आ रहा था
वहाँ पे उस बीएसएफ की यूनिट के साथ, वो इंडियन आर्मी के साथ का राशन था, ठीक है। और ऐसा एक बात बताइए, आपने जब फौज ज्वाइन करी है तो दिक्कतें होंगी, आप जब ऊपर, अब बर्फ है ठीक है, रुक गया, आपको सब्जी वहाँ पे नहीं आ पाई, जबकि उस दिन एक नॉन वेजिटेरियन आइटम मना था, मेरी बात हुई उन लोगों से जो लोग वहाँ पे थे, उन्होंने बनवाया था। देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप फौज में बोलें कि हाय तेज बहादुर यादव कह रहा है रोटी जली है, तो क्या हुआ रोटी जली है, तो क्या हुआ, कौन मर गया भाई रोटी जली है, तो हम रहे हैं फौज में, हमने भी एक वो आ गया था एवलांच से आ गया था, मतलब पहाड़ खिसक गया था थोड़ा सा, लैंडस्लाइड बर्फ के साथ, 3 दिन हमने चावल और नमक खाया है, चावल और नमक, सिर्फ 3 दिन चावल और नमक खाया है, और चाय के नाम पे गर्म पानी पिया है बर्फ पिघाल के, क्योंकि पत्ती वत्ती चीनी दूध सब पाउडर मिल्क होता है वहाँ पे, फ्रेश मिल्क तो आता नहीं है, तो ये सब हो गया। तो ये रोना बच्चों की तरह बिलखना कि ये नहीं मिला, ये नहीं, ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात सीएजी की रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट जिसके बारे में अभी डिस्कशन हुआ है वो 17-18 की है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इक्विपमेंट तो बहुत आया है आर्मी में, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त और चाहिए, जितना आया है उससे 10 गुना और चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम लगता है ना, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है। आप एक फाइटर प्लेन खरीदते हैं, उसको खरीदते खरीदते 15 साल लग जाते हैं। इंडिया का प्रोसेस ही इतना स्लो है कि जब तक आप रफेल खरीदेंगे, जब तक रफेल आएगा तब तक रफेल के अच्छा वाला प्लेन मार्केट में आ चुका होगा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो अब सियाचिन ग्लेशियर में ये जो तनख्वाहों की बात है, ये तो बिल्कुल झूठ है कि मैंने तो आज तक एक केस नहीं सुना जहां पे किसी जवान को तनख्वाह ना मिली हो। इस पे तो मैं लड़ भिड़ सकता हूं किसी से भी सामने। हाँ, 100% मेरी फौज है, मैं जानता हूं मैं फौज का हूं। ऐसा फौज में तनख्वाह ऐसा थोड़ा ना होता है। ये सब ये मीडिया वाले आधे तो झूठ बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता। अफवाह नहीं है, झूठ है ये। अफवाह तो होती, हो सकता है सच हो, ये झूठ है, ये प्लांटेड खबर है। हाँ, दूसरी चीज है, सियाचिन में अच्छी इक्विपमेंट आना शुरू हुआ है अभी। बेल्जियम से और ऑस्ट्रिया से और स्विट्जरलैंड से स्नो की इक्विपमेंट आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। जिस गति से आनी चाहिए उस गति से नहीं आ रही, सच बात यह है। दूसरी चीज़ यह है कि एमुनेशन का शॉर्टेज है। हम लोग WWR कहते हैं, वॉर वेस्टेज रिजर्व्स। क्या होता है कि मीडिया वाले जनरली जो कवर करते हैं वो डिफेंस साइड के होते नहीं है ज़्यादातर। उनको जिसने जो बता दिया उसको टेक्निकलिटी पता नहीं, उसने भी अच्छे मन से लिख दिया, वो उसका कोई मन में मैल नहीं है, उसने भी अच्छे मन से लिख दिया आगे, उसने खबर आगे चला दी। सच्ची बात यह है कि जैसे आपको पता है, जैसे कि एयरफोर्स में चिनूक हेलीकॉप्टर्स आए, अपाची आए, रफेल आए, और भी चीज़ें आई हैं, ये S-400 जो मिसाइल शील्ड आई है वो भी एयरफोर्स में आई है, रशिया से आई है, ठीक है। आर्मी में AK-203 का साइन हो गई फैक्ट्री, अब वो बनने वाली है, जो 6 आवर है 7.62 mm × 51 उसकी राइफल्स आ गई आर्मी में, राइट। धनुष, सारंग, M777, ये आर्टिलरी गन्स हैं, बड़ी बड़ी तोपें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट, ये सब आर्मी में आ रही हैं, ये सब इंडक्ट हो चुकी हैं। नेवी 34 ऐसे जहाज हैं जो मेक इन इंडिया के तहत, जिसमें शामिल न्यूक्लियर सबमरीन्स, जिसमें शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर। भाई साहब, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपको पता है कितना मैन पावर लगता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए? 3.5 से लेकर 5,000 लोग एक एयरक्राफ्ट, वो एक छोटा मोटा शहर है, चलता फिरता शहर है वो। तो ये जो एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये नेवी वालों ने मुझे बताया, जब मैं उनके साथ शूट कर रहा था उन्होंने बताया कि 34 जहाज़ हैं जो कि बन रहे हैं। तो दो बातें हैं इसमें, क्या बिल्कुल टॉप स्पीड से चल रहा है मोदी सरकार के अंडर ये? नहीं, लेकिन क्या पहले से बेहतरी है? यकीनन पहले से बहुत बेहतरी है, लेकिन अभी भी बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बने। चलिए गौरव जी, बातें तो बहुत सारी हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। हमारे चैनल पे मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों से आप वादा कीजिए कि आप हमें पूरा अच्छा खासा समय देंगे जिस पे हम बैठ के आपसे तमाम मुद्दों पे बातें करें। तो अभी तो आज ये संक्षिप्त वार्ता, उम्मीद आप लोग को पसंद आई होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप एक बार डिटेल में सारी चीज़ पे हम आप बिल्कुल आइए, आप आराम से बैठ के गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, और आपके दर्शकों के लिए आप जैसा बोलेंगे वैसा इंटरव्यू करेंगे आपके साथ, ठीक है? डन। जो आप गौरव आर्य हमसे बातचीत की, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सौरभ है, कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं अभिनव।